So students, today we are going to learn about Doppler effect. अच्छा, Doppler effect क्या होते हैं? एक source, there should be source. Source मतलब something, someone who is emitting the sound. And there is a listener, observer or listener. Okay? It is observed. That if there is a relative motion, what? Relative motion. If there is a relative motion between source and listener. If there is a relative motion between source and listener, then frequency of sound heard by listener will be different from the frequency emitted by the source. Okay. इस इफेक्ट को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट. इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट. जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, वन ऑफ यू, ओके, दिस इज सबना, भाग रही है हॉस्टल से, ओके. मैं नहीं भागती. यहाँ पर एक ट्रेन है, पहले ट्रेन ये गुवाहाटी की तरफ जा रहे हैं, हुजाई स्टेशन में खड़ी अकेले अकेले, okay, काफी स्पीड से जा रहे हैं. तो इसमें एक व्हिसल ब्लो हुआ, इसका व्हिसल का हॉर्न का जो फ्रीक्वेंसी है, सपोज एफ है, दिस इज गेटिंग क्लोजर टू द ऑब्जर्वर, तो सी विल हियर अ फ्रीक्वेंसी सपोज F1, एंड इट डिड नॉट स्टॉप हियर. राजधानी जल्दीबाजी में था, उनको राजधानी जाना था दिल्ली, ओके, मोरी साहब से मिलने के लिए. तो यहाँ पर ये स्टिल गोइंग विद द सेम स्पीड, तो जब क्रॉस करके चले गए, इनको एक दूसरा फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया F. तो यहां से हमें पता चलता है इसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अलग होते हैं. जब ये अप्रोच करते हैं, ऑब्जर्वर विल हियर ए फ्रीक्वेंसी F1, एंड व्हेन द ट्रेन इज रिसीडिंग अवे, द ऑब्जर्वर विल हियर ए फ्रीक्वेंसी F2. इसको ऑब्जर्व किया गया, ओके, राइट. इसी इफेक्ट को कहा गया है डॉपलर इफेक्ट. तो अभी हम लोग हैं रिपीटर्स, हमें काफी कुछ मालूम है, ओके. इसका एक सिचुएशन में तुम्हें समझाता हूँ किस तरह से होते हैं एग्जैक्टली. जैसे इमेजिन कर लो, देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ लिसनर, एंड देयर इज अ सोर्स. लेट मी एज्यूम वाटर स्टेशनरी, एंड फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर, यहां पर साउंड वेव को पहुंचने में सपोज 5 सेकेंड लगते हैं. यानी हम अगर एज्यूम करें ये सोर्स है, फ्रॉम द सोर्स ए साउंड इज कमिंग आउट, सपोज उस पॉइंट को हम ए कहते हैं, और इस पॉइंट ए को एल तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 5 सेकेंड लगते हैं. सो एट टी इज इक्वल टू 0, ए इज हियर, एंड एट टी इज इक्वल टू 5, एट टी इज इक्वल टू 5, उल्टा हो गया डायग्राम, कोई बात नहीं, एट टी इज इक्वल टू 5, ए जाके कहाँ पहुंचा? एल पहुंचा. और ए जब जाके एल पहुंचा आफ्टर टी सेकेंड, टी इज इक्वल टू 0 में कौन निकल के आया था? ए निकल के आया था. एंड सपोज एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, यहाँ से कौन निकल के आ रहे हैं? बी निकल के आ रहे हैं. बी कब निकलेगा? आफ्टर 5 सेकेंड. ए कब निकालते हैं? टी इज इक्वल टू 0. इस सिचुएशन को एक बार एज्यूम कर लो. अब इमेजिन करो, दिस पार्टिकुलर सोर्स इज नॉट एट रेस्ट बट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके. सो एट टी इज इक्वल टू 0, ये कहां पर था? यहां पर था. कौन निकल के आया था? ए निकल के आया था. अगर सोर्स इज मूविंग तो 5 सेकेंड में सोर्स भी सामने की तरफ चले जाएंगे. सोर्स विल ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन 5 सेकेंड. 5 सेकेंड के बाद क्या होगा? ए विल गो एंड रीच हियर,
क्योंकि ए टी इक्वल जीरो पे यहाँ पर निकला, उसको जाके यहाँ पहुंचना था, स्पीड ऑफ साउंड है। 5 सेकंड के बाद ए जाके यहाँ पहुंचा, और 5 सेकंड के बाद कौन निकालने वाला है यहाँ से, 5 सेकंड के बाद कौन निकालने वाला है, बी निकालने वाला है। ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ सब 2 है, 2.5 लैम्ब्डा, यानी 2.5 वेवलेंथ में होना है, 2.5 वेवलेंथ इसमें होना है। तो ये देखने में कैसा होगा, यानी यहां पर जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस ओवर व्हिच 2.5 लैम्ब्डा था, अब 2.5 लैम्ब्डा हैज ऑकर्ड इन ए डिस्टेंस स्मॉलर देन द प्रीवियस। तो तुम्हें क्या पता चला यहां से, यहां से हमें ये चीज पता चला कि इसमें ये चीज हमें पता चला कि यहां पर लैम्ब्डा व्हेन द सोर्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द लिसनर, when source is approaching the listener, तो हमने क्या देखा, lambda decreases, क्या decrease होते हैं, lambda decrease होते हैं। अब lambda decrease होगा तो frequency क्या होगा, frequency increase होगा। फाइन वर्क डाइन डॉक्टर मामा, तुम कौन सा दुनिया में हम लोग क्लास कर रहे हैं, टाइम इज रनिंग माय गुडनेस, अभी शुरू किया था, टाइम कैसे रन ऑफ हो गया, भागने मत दो इसको। व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग द लिसनर लैम्ब्डा डिक्रीजेस, सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। सो यहां पर एक क्रूशियल पॉइंट हम लोग याद कर लेंगे, ओके, क्योंकि हम इसका डिटेल डेरिवेशन वगैरह में नहीं जाएंगे। तो एक कंक्लूजन यहां से हम लोग का ये है, क्या कंक्लूजन है, If separation between S and L reduces, then frequency hard will be more than frequency emitted. Frequency hard will be more than frequency emitted. Similarly, ये पहला point है. And if separation between S and L increases, then frequency hard will be less than frequency emitted. Frequency emitted. If separation between source and listener increases, then frequency hard will be less than frequency emitted. तो यहां से हम इसको, ये पेज हो गया, इसको हम लोग भी सेव कर लेते हैं, पीडीएफ सेव, गुड, क्लियर, तुम्हारा कोई जो ना सीखने, यस सर, चलो क्लियर कर दिया। अब यहां से एक शॉर्टकट में हम अपना काम कर लेंगे। अब यहाँ पर एट सिचुएशन हो सकता है, कितना सिचुएशन हो सकता है,
एट सिचुएशन हो सकता है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ एट सिचुएशन कैसे हो सकता है। ये सोर्स एंड लिसनर, पहला सिचुएशन सपोज लिसनर इज एट रेस्ट, नाउ द सोर्स कैन कम क्लोजर और सोर्स कैन गो अवे, कितना सिचुएशन हो गया, दो सिचुएशन हो गया। सेकेंड सिचुएशन में सोर्स एट रेस्ट, लिसनर कैन गेट क्लोजर, लिसनर कैन गो अवे, अनदर टू सिचुएशन, कितना सिचुएशन हो गया, फोर। नेक्स्ट सिचुएशन ऐसे हो सकता है लिसनर गोइंग अवे सोर्स इज फॉलोइंग इट, और सोर्स गोइंग अवे लिसनर इज फॉलोइंग इट। ओके सो इन द फर्स्ट सिचुएशन लिसनर इज बीइंग फॉलोड बाय द सोर्स, इन द सेकंड सिचुएशन सोर्स इज बीइंग फॉलोड बाय द लिसनर। सिक्स सिचुएशन हो गया। अब यहां पर नेक्स्ट दो सिचुएशंस है सोर्स एंड लिसनर, दे आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर, सोर्स एंड लिसनर दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। सो इस डायग्राम से कितना सिचुएशन हमें मिला, अलग अलग पॉसिबल सिचुएशंस ऑन ए स्ट्रेट लाइन, हाँ ऑन ए स्ट्रेट लाइन कितना सिचुएशन मिला हमें, एट अलग अलग सिचुएशंस मिला। हाँ अब हम इस रिलेशन को हम अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, लेट न्यू बी द ट्रू फ्रीक्वेंसी एफ यूज करते हैं, लेट एफ बी द ट्रू मतलब एक्सवेल ट्रू फ्रीक्वेंसी, एफ डैश इसको अपेरेंट बोलेंगे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, वी स्पीड ऑफ साउंड, वी एस स्पीड ऑफ सोर्स, वी एल स्पीड ऑफ लिसनर। तो उसमें क्या होगा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रू फ्रीक्वेंसी इसमें वी प्लस माइनस आएगा, इसमें वी प्लस माइनस आएगा, यहां तक ठीक है। अब यहां पर दो पोजीशंस हैं, इसके डेराइवेशन में हम नहीं जाएंगे लेकिन इसको याद रखने के लिए कोशिश करेंगे, वी प्लस माइनस समथिंग एंड वी प्लस माइनस समथिंग, मतलब इन दोनों जगह किस किस के लिए है, एक है वी एस के लिए दूसरा है वी एल के लिए, इन दोनों में से किसी एक में वी एल आएगा इसमें वी एस आएगा, और बाकी यहाँ प्लस माइनस से हमें एट सिचुएशंस मिल जाएंगे। ओके हम इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, फिलहाल इसको याद करने के लिए कोशिश करें। अब कैसे याद रखेंगे कौन कहाँ पर होगा, सो वी आर द लिसनर, हम लोग क्या है लिसनर है, हम सुनने वाले हैं। ओके वी विल बी ऑलवेज ऑन द टॉप, हम नीचे कभी नहीं आएंगे, चलो लिसनर ऑन द टॉप। ओके द सोर्स इज बीइंग एट द बॉटम। सो ये है इन जनरल फॉर्मूला अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और ट्रू फ्रीक्वेंसी को रिलेट करके, इसको हमें याद रखना पड़ेगा, वी प्लस माइनस वी एल, वी प्लस माइनस वी एस एफ। पहला सिचुएशन को समझते हैं यहाँ से। ओके कैसे याद रखेंगे, वी एट अ लिसनर विल बी ऑलवेज एट द टॉप, यानी वी एल इज एट द टॉप एंड वी एस विल बी एट द बॉटम, ये कभी कंफ्यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट लिसनर, ये पर्टिकुलर है लिसनर है, लिसनर इज अप्रोचिंग अ सोर्स, सोर्स रेस्ट में है, लिसनर इज गेटिंग क्लोजर टू द सोर्स एंड सोर्स इज एट रेस्ट, इसमें रिलेशन क्या होगा। अच्छा ये सब अपना अपना जगह ऊपर, नीचे वी एस जीरो से वी होगा, ऊपर वी है और वी एल है, हमें डिसाइड करना है ये साइन प्लस होगा या माइनस होगा। ओके सो हम लोगों ने कुछ पॉइंट लिखा था, अगर सेपरेशन रिड्यूस होते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इट इज गेटिंग रिड्यूस, इट रिड्यूसेस, यानी एफ डैश शुड बी ग्रेटर देन एफ, यानी इसको क्या होना पड़ेगा, प्लस होना पड़ेगा। व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम रिड्यूसेस, व्हेन द सेपरेशन रिड्यूसेस, सेपरेशन रिड्यूसेस तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, एफ डैश विल हैव टू बी ग्रेटर देन एफ, यानी न्यूमरेटर विल हैव टू बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसलिए इसमें प्लस होना जरूरी है। उसी हिसाब से लिसनर इज एट रेस्ट, इसका मतलब ये प्लस हो गया, व्हेन व्हेन द लिसनर अप्रोचेस प्लस, सो व्हेन द लिसनर गोस अवे माइनस। ओके वेरी सिंपल। अभी इसमें सोर्स को देखते हैं, लिसनर एट रेस्ट सोर्स इज गेटिंग क्लोजर, सोर्स इज कमिंग क्लोजर, इसका मतलब एफ डैश को एफ से ज्यादा होना है, वी वी एफ माइनस वी, अब एफ डैश को एफ से ज्यादा होना है इसीलिए डिनोमिनेटर को छोटा होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को छोटा होना पड़ेगा मतलब दिस विल हैव टू बी अ
माइनस साइन। अगर हम ये दो सिचुएशन समझते हैं तो बाकी सारा का सारा सिचुएशन हम कर लेंगे। कैसे करेंगे ये देखो, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो यहाँ पर है सोर्स और यहाँ पर है लिसनर। सोर्स इज कमिंग क्लोजर एंड लिसनर इज रनिंग अवे आउट ऑफ फियर। भागो, सोर्स आ रहा है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, अच्छी तरह से लिखेंगे ताकि गलती ना हो, एक ही बार में करेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। वी वी एल वी वी एस। अभी हमें डिसाइड करना है कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। ओके, इसको कैसे याद करेंगे, लिसनर इज गोइंग अवे एंड कमिंग क्लोजर। लिसनर इज गोइंग अवे, गोइंग अवे, सो लिसनर इज ट्राइंग टू, लिसनर इज ट्राइंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी। Decrease the frequency because it is trying to, because it is trying to increase the separation. So listener is trying to reduce the frequency. तू क्या करेगा, ये numerator को plus बनाएगा ना minus बनाएगा? Minus बनाएगा। Okay, खत्म होने वाला है time, कभी भी खत्म हो सकता है, मैं दूसरा link दे दूंगा। अब इसको click कर लो, इसको पहले मैं save कर लेता हूँ। चलो, और ये कभी भी और source क्या कर रहे हैं, source is coming closer. Source is trying to increase the, yeah, it is trying to increase the frequency. How it will try to increase the frequency? By decreasing the denominator. So, ये भी minus है. So, when one is following the other, minus होगा. और अगर इसका reverse है, अगर इसका reverse है, एक दूसरे को follow कर रहे हैं, नीचे वाला, तो ये दोनों plus होगा. V plus VL, V plus VS, VS. Save, मैंने save कर लिया. जाएगा दूसरा लिंक बना देता हूं तुम्हें।